जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक यादव आपके ही अपने चैनल जुनून क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने इससे पहले की वीडियो देखी है तो उसमें हमने बताया कि हम ग्रामर के पार्ट में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, और ये जो पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे सेंटेंस, व्हाट इज़ सेंटेंस, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस एंड व्हाट विल बी द सिंपल वे द डिफाइन द सेंटेंस and we will discuss about how many types of sentence and other way we can say how many kinds of sentence. If you are Hindi medium student, so don't worry about it, because we will talk about and we will discuss in a Hindi also. Okay, so let's start. First of all, this is a part one. Actually, we will divide in this video. There is two part. First one is vocab. Sorry, first one is grammar part, and second one is vocab part. So, जो grammar part है उसमें हम grammar के जो rules हैं उसके बारे में discuss करेंगे, and जो second part है vocab का part है जिसमें हम vocabulary discuss करेंगे. तो don't go anywhere and keep watching. So friend, हम start करेंगे chapter first, the sentence and its kinds. तो हम इसमें पढ़ेंगे sentence क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं. तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपने कई बार पढ़ा भी है, स्कूलों में भी पढ़ा है, और यदि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पढ़ा है. लेकिन क्या होता है कि हम पढ़ते हैं लेकिन उसको रेगुलरिटी नहीं रखते हैं, जिस वजह से हमारी कोई भी सब्जेक्ट, ये नहीं कि इंग्लिश की बात करें, हम कोई भी सब्जेक्ट यदि आप रेगुलरिटी नहीं रखोगे तो जाहिर सी बात है आप उसको अच्छे से नहीं सीख पाओगे. यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर वीडियो देखें, सारी वीडियो देखें, नहीं तो इस वीडियो को भी ना देखें, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलता है. यदि आप थोड़ी सी वीडियो देखते हैं और स्किप करके सोचते हैं कि बाद में मैं देख लूँगा या देख लूँगी, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता है. यदि आपको अच्छे से सीखना है तो वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो इसको स्किप करें और अपना टाइम वेस्ट ना करें, बढ़िया और अदर सब्जेक्ट पढ़ें. यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो इसको कंटिन्यू रखें और पूर्ण वीडियो देखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी तरह कई बच्चे होंगे जो अच्छे से इंग्लिश नहीं सीख पाए होंगे, और कोशिश तो करते हैं, वो सीखने की मन में चाहत रहती है, ईगरनेस रहती है, लेकिन इंग्लिश वो नहीं सीख पाए हैं या वो सीखना चाहते हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचे. तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं. तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको ये वर्ड दिख रहा होगा, डॉग इज़ अ पेट एनिमल, सेकंड सेंटेंस है, सी राइट्स अ लेटर. तो आप इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों सेंटेंस में बहुत सारे शब्द दिख रहे हैं, आपको वर्ड दिख रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, तो ये ग्रुप है वर्ड्स का दोनों सेंटेंस में. फर्स्ट, डॉग इज़ अ पेट एनिमल, तो इसका मतलब होता है कि जो डॉग है वो पेट एनिमल है, मतलब पालतू जानवर है. तो डॉग इज़ अ पेट एनिमल, इसमें आप देखेंगे तो कितने वर्ड हैं, डॉग एक अलग है, इज़ अ पेट और एनिमल, कुल मिलाकर इसमें पांच शब्द हैं. कितने शब्द हैं, पाँच शब्द हैं. यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांच शब्द हैं एक सेंटेंस में. तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड. क्या है ये, ग्रुप है. तो जहाँ भी आपको क्या मिले, ग्रुप ऑफ वर्ड, तो वो सेंटेंस की कैटेगरी में. अब देखिए, ऐसा नहीं है ग्रुप ऑफ वर्ड, अगर ये पैरा जम्बल्ड फॉर्म में होता, जम्बल्ड फॉर्म का मतलब होता है मैं ऐसा बोल सकता था एनिमल पहले लिख देता और फिर बाद में पेट लिख देता, फिर इज लिख देता, फिर आ लिख देता, फिर डॉग लिख देता, तो इसका मतलब सिक्वेंस सही नहीं था. तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस होगा, नहीं. सेंटेंस की डेफिनेशन ही ये बोलती है, सेंटेंस क्या बोलता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस और मीनिंग. मतलब कि क्या बोलता है कि जो वर्ड का ग्रुप्स रहता है उसकी कोई मीनिंग भी निकलनी चाहिए, उसका कोई सेंस भी निकलना चाहिए, तब आप जाकर बोल सकते हो कि ये सेंटेंस है. ठीक है, तो ये सेंटेंस है, डॉग इज़ अ पेट एनिमल, बिल्कुल सेंस निकल रहा है इसमें, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक सेंटेंस है. सेकंड देखते हैं, सी राइट्स अ लेटर, तो
तो वह क्या लिखती है, वह पत्र लिखती है, तो बिल्कुल हाँ मतलब निकल रहा है, इसका सेंस निकल रहा है, तो ये भी क्या है, सेंटेंस है। तो इस टाइप्स के जो भी सेंटेंस आपको नज़र आएंगे तो वो क्या कहेंगे, हम उसको सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम बोल देते हैं राहुल फ्लाइज अ काइट, ठीक है, तो राहुल क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ही गोज़ टू मार्केट, तो ये भी सही है, ही गोज़ टू मार्केट क्या है, एक सेंटेंस है। तो कहने का मतलब ये है, जब भी कोई वर्ड का ग्रुप दिखे आपको, ठीक है, क्या है, वर्ड्स का ग्रुप दिखे और उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, उसका जो सीक्वेंस अरेंजमेंट है वो क्या हो, सही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। तो इसकी एक अच्छी डेफिनेशन है, यहाँ पर आपको बता देते हैं क्या होती है सेंटेंस की डेफिन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट्स गिव्स मीनिंगफुल एंड कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी डेफिनेशन है यहाँ पर। और आपको नोट्स बनाना है दोस्तों, यदि आपको इंग्लिश अच्छे से सीखनी है, ग्रामर अच्छे से सीखनी है, तो हमारे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट की फैक्ट क्या है यहाँ पर ध्यान रखने की, जो भी सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस है हर हमेशा वो कैपिटल लेटर से चालू होता है, जैसे कि पिछले उसमें बता देते हैं, ठीक है। देखो डॉग क्या है, कैपिटल लेटर से चालू है, सी में एस देखो कैपिटल लेटर है, तो सेंटेंस हर हमेशा कैपिटल लेटर से चालू होता है और उसका जो एंड पॉइंट होता है, मतलब जहाँ पर वो ख़त्म होता है, वो फुल स्टॉप से ख़त्म होता है। ये जो बिंदी दिख रही है आपको, ये तो ये फुल स्टॉप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो की पॉइंट है, पहला दिया है अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर्स, और सेकंड क्या दिया है, इट ऑलवेज एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। इट्स काइंड का मतलब भी क्या होता है, टाइप्स ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर कहीं काइंड्स लिखा रहे तो उसका मतलब क्या होता है, उसके टाइप्स। तो कितने टाइप्स के होते हैं, ये फोर टाइप्स के होते हैं सेंटेंस, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। पहला जो सेंटेंस का टाइप है वो डिक्लेरेटिव है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमने सेंटेंस के चार प्रकार पहले भी पढ़े थे जब हम स्कूल में थे, तो पहले बोलते थे अफर्मेटिव सेंटेंस, या बोलते थे उसको सिंपल सेंटेंस बोलते थे, फिर इंटेरोगेटिव पढ़ते थे, नेगेटिव पढ़ते थे, फिर इंटेरो प्लस नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते थे। ये चार प्रकार के पढ़ते थे, होते वही हैं, लेकिन आज हम एक्चुअल में पढ़ेंगे कि मतलब उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वो हमने टेंसेस के हिसाब से पढ़े थे सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस एक्चुअल में होते किस टाइप्स के हैं और उनके सब डिवाइड कैसे किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फुली डिटेल में, ठीक है। तो पहला क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, ये स्टेटमेंट टाइप के सेंटेंस होते हैं। डायरेक्ट जो स्टेटमेंट दिए रहते हैं वो क्या होंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और इसको ही बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में कथात्मक, है ना, वर्णात्मक सेंटेंस जो होते हैं वो उनको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जो हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। ये इसके दो टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये डिक्लेरेटिव होते हैं। और दूसरा सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहे, ठीक है, क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे, है ना, तो क्वेश्चन मार्क जिसमें भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। थर्ड में है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम कमांड्स दें या किसी की रिक्वेस्ट करें तो उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे कि बोलते हैं ना प्लीज़ कम, गो आउटसाइड, कम हेयर, गो देयर, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें ये साइन रहे, एक्सक्लेमेशन का साइन रहे, उसको क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि आपने देखा है वाओ, व्हाट अ गर्ल, तो उसमें इस टाइप का व्हाट अ के बाद में क्या लगेगा, इस ये विस्मय बोधक साइन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो साइन लगा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये चार टाइप के सेंटेंस होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे, और इस
को आप नोट करते रहिएगा तो अच्छा रहेगा, जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला जो हमने पढ़ा था डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे, फिर वन बाय वन सारे सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस विच मेक्स असर्शन ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो क्या बोल रहा है कि एक जो सेंटेंस होता है उसमें असर्शन रहे या वर्णात्मक कोई चीज़ रहे, ठीक है, या डिक्लेरेशन वाली चीज़ रहे, मतलब डिक्लेरेशन रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हम जनरली बोल सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया है द क्लास इज मेकिंग अ नॉइस, ठीक है, तो कोई क्लास है वो क्या मचा रही है, शोर मचा रही है, उसमें से बहुत शोर आ रहा है, तो उसमें डायरेक्ट डिक्लेरेशन दिया है, इसमें स्टेटमेंट दिया है कि उस शोर मचा रही है या वहाँ से शोर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ही इज़ गोइंग, ठीक है, तो ये भी क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही है, ठीक है। रामू इज़ कमिंग हियर, ठीक है, तो रामू क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो रामू इज़ कमिंग हियर, तो ये भी क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सेकंड इसमें दिया है एग्जांपल द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व्स कर रही है, सन के अराउंड, ठीक है, तो अर्थ मतलब जो पृथ्वी है वो किसके अराउंड रिवॉल्व्स कर रही है, सन के अराउंड रिवॉल्व्स कर रही है, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये इस टाइप के जैसे भी अब और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, जैसे कि राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, तो ये भी क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर इस टाइप के सेंटेंस भी कोई आते हैं तो आप क्या बोलोगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। रोहित राइट्स अ लेटर, तो रोहित राइट्स अ लेटर, तो ये भी क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंस आएंगे तो आप उसको क्या बोलोगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे इस टाइप के जो भी सेंटेंस। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, पहला अफर्मेटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव यदि कोई सेंटेंस आपको दिखें तो दोनों कौन सी कैटेगरी के होंगे, डिक्लेरेटिव के होंगे। और आपको ये देखना है यदि उसमें नॉट का यूज़ हो, क्या हो, यदि उसमें नॉट का यूज़ हो तो आप बता सकते हो कि नेगेटिव है, और यदि नॉट का यूज़ नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप का है, तो आप बोल सकते हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन किसका सब है, ये सब सेंटेंस है वो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस का है, ठीक है। तो फुल स्टॉप से तो सब इन होते ही होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला जो सेंटेंस हम पढ़ेंगे उसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव, लेकिन इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या है, अ सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिसमें भी क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका जो एंड पॉइंट होता है वो क्वेश्चन मार्क इसके साथ ख़त्म होता है, तो आपको ध्यान देना है हर उसमें, देखो क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क ही रहता है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है व्हाई आर यू शाउटिंग, ठीक है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तो वो पूछ रहा है, ठीक है, हैज़ ही गॉन टू मार्केट, ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है क्या वह मार्केट जा चुका है, तो ये भी पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट आर यू ईटिंग, क्या खा रहे हो, हर हमेशा क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, किसी से हम कुछ पूछते ही हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। विच इज़ योर फेवरेट कलर, तो आपका कौन सा कलर फेवरेट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है कि जहाँ भी किसी से भी कुछ आश होगा तो यहाँ पर आपको एक देखना है, आस्क मतलब पूछा जाए, किसी से भी कुछ भी पूछा जाए तो आपको क्या दिमाग में आएगा, वो कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आपको सीधी सी बात ध्यान रखना है, जहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा तो वो कौन सा होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। चलिए थर्ड पर हम पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने पहले भी बताया था, इसमें कमांड रिक्वेस्ट बताई जाती है, जैसे कि हम बोलते हैं प्लीज़ कम हेयर, तो ये भी क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, हमने क्या रिक्वेस्ट की है कि आप यहाँ पर आ जाइए। अगर हम उसको क्या बोलें, ओबे करें या
आज्ञावाचक शब्द जो होते हैं ना उनको भी क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। मतलब उसको हम आज्ञा दे रहे हैं गो देयर, ठीक है वहाँ पर जाओ, तो हमने क्या बोला है उसको, उसको बोला है कि वहाँ पर आप जाइए, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस होंगे ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे, ठीक है। तो क्या बोलता है, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस कमांड, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस कमांड अ डिज़ायर और अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज क्लीन दिस रूम, ठीक है, रामू ओपन द डोर, प्लीज लेट मी गो आउटसाइड, ठीक है। ये सारे के सारे सेंटेंस क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और ये जब फुल मतलब ख़त्म होंगे तो किसके साथ होंगे, फुल स्टॉप के साथ होंगे, ठीक है। चलिए अब अगला जो सेंटेंस है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सेंटेंस है ये, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन साइन के साथ ये ख़त्म होता है। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। जब भी कोई सडन रिएक्शन होती है आपके सामने तो हम उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हम बोलते हैं ओ माई गॉड। तो इस टाइप के जो सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, तो हम बोल सकते हैं ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे कि यहाँ पर दिया है इट्स अ ब्यूटिफुल फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है तो आपने देखा है एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ सेम, ठीक है, कितने शर्म की बात है। तो यहाँ भी हमने बोल सकते हैं मतलब ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ पर लगा है। मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ भी ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो ये जब इसका एंड किसके साथ होता है, एक्सक्लेमेशन साइन के साथ होता है, तो ये आप इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखिएगा। ये साइन जब भी आपको दिख जाए तो आप तुरंत बोल दीजिए ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चलिए इसके अलावा भी हम और भी हम वर्ड देखते हैं जिसमें क्या है, आपने नाम सुना होगा फ्रेजल वर्ब होते हैं फ्रेजेस, तो उसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, ठीक है, लेकिन उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, ठीक है, मीनिंगफुल नहीं होता है वो पूर्ण तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं, हम फ्रेसेस बोलते हैं। तो यहाँ फ्रेसेस की डेफिनेशन दी है, अब चलिए फ्रेसेस क्या होता है यहाँ पर दिए, ये फ्रेसेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सम सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेसेस। और फ्रेसेस को क्या कहते हैं, जो कहावत और मुहावरे होते हैं, कहावत और मुहावरे, idioms phrases आपने सुना होगा, तो उसको हम यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर जो वर्ड दिए हैं जैसे कि दिया है एट ऑफिस, ऑन द चेयर, इन अ रूम, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, फ्रेजेस हैं यहाँ पर ये। तो इनका जो मीनिंग निकलता है वो पूरे कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, अगर यहाँ पर हम इतना भी लिख दें तो इसका कुछ मीनिंग तो निकलेगा, लेकिन ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो दिख रहा है लेकिन इसका पूर्ण मीनिंग नहीं निकलता है, इसलिए हम इसको फ्रेसेस कहते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल दिया है, द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो ऑन द चेयर यहाँ पर जो है ये फ्रेजल फ्रेजेस है, ठीक है। दे कैप्ट हिम इन अ रूम, तो ये इन अ रूम ये जो है ये क्या है, फ्रेजेस है। दिस ज्वेलरी इज मेड ऑफ सिल्वर, तो मेड ऑफ सिल्वर यहाँ पर ऑफ सिल्वर क्या है, ऑफ सिल्वर क्या है, फ्रेजेस है, ठीक है, मेड वर्ब है। तो सबसे पहली बात क्या होता है, फ्रेजेस में हर हमेशा फ्रेजेस में वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है फ्रेजेस। तो यहाँ पर हम जब फ्रेजेस का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको पूरे डिटेल में जानेंगे, ये फ्रेजेस क्या होती हैं और इसका मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं जिनका कुछ मीनिंग वर्ड के हिसाब से नहीं होता है दोस्तों, इनका मीनिंग और सेंस थोड़ा अलग ही निकलता है। चलिए तो कुछ एक्सरसाइज हमने यहाँ पर इंक्लूड की है जो कि आपको करना है और बने रहना है हमारे साथ, आपके लिए ये होमवर्क है। लेकिन ये इसमें करना क्या है वो आपको हम पहले बता देते हैं, ठीक है। यहाँ ये जंबल्ड फॉर्म में, जंबल्ड फॉर्म का मतलब होता है इधर उधर दिए हैं, आपको इसको एक सेंटेंस के रूप में अरेंज करना है। जैसे कि पहला दिया है कैट इज़ द मिल्क ड्रिंकिंग, ठीक है, तो इसका जो सही सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, द कैट कैसे बनेगा, द कैट इज
drinking milk. ठीक है, द कैट इज ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग लिखा है, ड्रिंकिंग मिल्क. ठीक है, तो ये पूरा सही बन गया, द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क. तो आपको जो और दिए हैं इनको भी ऐसे ही जंबल्ड फॉर्म में है, तो इनको सही तरीके से अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में. ठीक है, तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे, कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को और सारे चैप्टर को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को. जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद.